क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गिवन है, एल्यूमिनियम के लिए ईटा गिवन है, डेंसिटी गिवन है, स्पीड निकालनी है ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स वेव में एक ही फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, ईटा बाय रो का आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे। जैसे स्टील वायर है, स्टील वायर की क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है, साथ में मास गिवन है, तो म्यू तो निकाल ही लोगे, मास पर यूनिट लेंथ, वायर है ना स्ट्रेच्ड वायर, वायर को स्ट्रेच कर दिया, टेंशन की वैल्यू टी भी गिवन है। व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द वायर, तो फॉर्मूला बोलो क्या है, टी बाय म्यू, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टी बाय म्यू, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, टेंशन पता है, म्यू का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो निकाल लोगे म्यू, मास अपॉन लेंथ। कई बुक्स यहां पर एम एम लिखती हैं प्लीज, लेकिन वो स्पेसिफाई करती हैं एम या म्यू एक ही बात है, यहां पर एम का मतलब मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो मैंने वैसे ना म्यू कर दिया, म्यू बेटर है, कंफ्यूजन नहीं होती मास और म्यू में फिर, ठीक है। जैसे एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, खिंची हुई रस्सी है, डेंसिटी ऑफ द मटीरियल गिवन है, तो रो तो मुझे गिवन है, स्ट्रेस ऑफ द वायर गिवन है, ये स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स यहां पर क्या है स्ट्रिंग की, टेंशन, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स निकालनी है वेव क्या होगी, देखो स्पीड का मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, ये फॉर्मूला है। टेंशन की जगह, हाँ मैं ये जरूर पुट कर सकता हूं, टेंशन की जगह क्या, स्ट्रेस इनटू एरिया बाय म्यू, सही। प्रॉब्लम है कि मुझे एरिया नहीं गिवन। एक ना चीज नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, ये नोट करें प्लीज फॉर्मूला बुकलेट में, इंपॉर्टेंट है। मास क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय लेंथ, वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय लेंथ, तो क्या बन गया, एरिया इनटू डेंसिटी, बहुत जगह शॉर्टकट है, म्यू का मतलब एरिया इनटू डेंसिटी, कैसे बना समझ में आ रहा है, एरिया इनटू डेंसिटी म्यू होता है, तो ये लिख लें, अगले साल तक भूल जाएंगे आप म्यू का मतलब, और मेंस नीट में भरे पड़े हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर, और वो म्यू में खेलता है हमेशा, म्यू को ही चेंज करता रहता है, तो एरिया इनटू डेंसिटी म्यू है, तो पुट कर दें यहां पर, क्या पुट करने वाला हूं, एरिया इनटू, कट गया, आपको क्वेश्चन में स्ट्रेस पता है, आपको डेंसिटी पता है, आंसर आ गया। तो सारी गेम किस पे डिपेंडेंट है, म्यू को कैसे लिखना है, एरिया इनटू डेंसिटी, तो समझ में आ रहा है यहां तक, तो फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लेना है, तो म्यू इज इक्वल टू एरिया इनटू डेंसिटी। जैसे नेक्स्ट है, कॉपर वायर है, इज हेल्ड एट टू एंड्स बाय अ रिजिड सपोर्ट, कॉपर वायर को दो एंड से बांध दिया, कितने टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे, वायर इज जस्ट टॉट विद नेग्लिजिबल टेंशन, कोई टेंशन नहीं, बस टाइट हुई हुई है, पर टेंशन कोई नहीं है, आपने टेम्परेचर लिख दो इसमें, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकालनी है वायर में, एट ना लिखो, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें सीधा लिखो डेल्टा टी गिवन है, अगर मैं एट 10 लिखता हूं तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 है, बाद में 10 है, तो माइनस करके क्या आएगा, 10 आएगा, इनिशियल टेम्परेचर 30 है, फाइनल 10 है, तो डेल्टा टी क्या आएगा, 10, 20 आएगा, 30 में से 10 गया 20, पर अगर मैं डेल्टा टी लिखता हूं तो फिर सीधा डेल्टा टी 10 ही है। मैंने ऐसा क्यों चेंज करवाया, मैंने सोल्यूशन ना 10 के साथ कर दिया एक्चुअली, तो मैंने स्टेटमेंट चेंज करवा दी, और अगर या फिर अगर सोल्यूशन यही रखना है, मीन स्टेटमेंट यही रखनी है, फिर डेल्टा टी को 30 में से 10 गया 20 पुट करेंगे, अब सोल्यूशन लंबा था चेंज करना, तो डेल्टा टी करवा दिया। अब साथ में क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, अल्फा याद है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सोचो वायर बंधी हुई है दो एंड्स में, टेम्परेचर है 30, वायर कर दी ठंडी, लेंथ क्या हो जाएगी छोटी, जगह है नहीं, वायर को छोटा होना है तो वायर टाइट हो जाएगी, टेम्परेचर कम करने से वायर बंधी हुई है दो एंड्स में, टेम्परेचर कम हो गया, लेंथ कम हो गई, वायर छोटी हो गई, बंधी तो हुई है दो पॉइंट्स में तो टाइट हो गई, खिंच गई, इलास्टिक है तो खिंच गई छोटी होने की वजह से,
क्लियर है यहां तक? आपको वी निकालना है स्ट्रेच स्ट्रिंग में, क्या फॉर्मूला तो वही लगाना है टी बाई म्यू वाला। प्रॉब्लम है इसमें टेंशन नहीं पता अपने को, टेंशन निकालने का, टेंशन क्या है फोर्स, पर उसकी जगह अपने को गिवन है यंग्स मॉडुलस। तो अब वाई का फॉर्मूला लगा लें, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, फोर्स मीन्स टेंशन, टेंशन एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ लगा लें। अब वाई पता है, लेंथ और एरिया की एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब एक और चीज़ नहीं पता, डेल्टा एल। अब डेल्टा एल थर्मल एक्सपेंशन के चैप्टर से आएगा, क्या था एल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी याद है, तो एल से एल कैंसिल तो क्या आ गया डेल्टा टी आ गया। तो मेरे को इस क्वेश्चन में वाई पता है, एल्फा पता है, डेल्टा टी पता है, एरिया नहीं पता, तो मैंने टेंशन को एरिया की फॉर्म में निकाल लिया। और म्यू मास पर यूनिट लेंथ का शॉर्टकट मैंने बताया, एरिया इंटू डेंसिटी, एरिया तो पता नहीं, तो इस फॉर्मूले में टेंशन को एरिया की फॉर्म में पुट करो, मास पर यूनिट लेंथ को भी एरिया की फॉर्म में पुट करो, एरिया से एरिया कैंसिल आंसर। तो ट्रिक समझ में आ रहा है, वाई से कैसे टी निकाला, डेल्टा एल एल्फा की फॉर्म में निकाला, म्यू को लिखा एरिया इंटू डेंसिटी, एरिया एरिया अंदर जाके कैंसिल हो गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इन रूल्स को लगाया हमने, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में जैसे पहला क्वेश्चन है, अब फॉर्मूला चेंज हो गए लॉन्गिट्यूडनल के, चेक करो, एल्यूमिनियम के अंदर बल्क मॉडुलस के गिवन है, ईटा गिवन है, वेलोसिटी निकालो लॉन्गिट्यूडनल के, एक ही फॉर्मूला है जिसमें के भी यूज हो रहा है और ईटा भी यूज हो रहा है, फॉर्मूला पुट करो आंसर आ गया, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है के और ईटा का। जैसे स्टील रॉड, अंडरलाइन करो स्टील रॉड, स्टील रॉड का वाई पता है और रो पता है, स्टील रॉड का वाई पता है और रो पता है, तो स्टील रॉड का एक ही फॉर्मूला पता है अंडर रूट ऑफ वाई बाय रो, आंसर आ गया, सही है। जैसे एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालने विल स्पीड ऑफ साउंड बी डबल द वैल्यू एट 273, स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। तो T2 by T1, V2 by V1, टेम्परेचर पहले कितना है 273, नया टेम्परेचर निकालना है जब स्पीड क्या हो जाएगी साउंड की पहले से डबल, तो V1 से V1 कैंसल, T निकाल लेना आंसर, सीधा क्वेश्चन है। जैसे ट्यूनिंग फोक जिसकी फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज है प्रोड्यूसेस साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ गिवन है, जब भी आपको ट्यूनिंग कोई भी चीज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो, वी वेलोसिटी निकाल सकते हो, वी क्या होता है न्यू लैम्डा, मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो वेलोसिटी। अब ये पूरा प्रोसेस एसटीपी पे हो रहा है, 273 केल्विन पे हो रहा है, फ्रीक्वेंसी पता है, टेम्परेचर 300 केल्विन पता है, लैम्डा पता है, मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी भी पता है कितने टेम्परेचर पे 273 पे। क्वेश्चन है वेवलेंथ कितनी बढ़ गई जब मैंने टेम्परेचर 0 की जगह 27 कर दिया, तो अब नया टेम्परेचर कितना कर दिया 300, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है, तो पहले टेम्परेचर 273 या नया टेम्परेचर 300 है, वेलोसिटी की वैल्यू वी नॉट, पहले वी नॉट है जो निकाल ली हमने कितनी 330 है और नई वेलोसिटी भी है, ठीक है, जब टेम्परेचर 273 है तो वेलोसिटी 330 निकाल ली, जब टेम्परेचर 300 है वेलोसिटी निकाल लेंगे, ये वेलोसिटी आ गई, पर हमें वेलोसिटी थोड़ा निकालनी है, हमें तो वेवलेंथ निकालनी है। अब v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी पुरानी ही यूज करनी है क्योंकि मीडियम या टेम्परेचर चेंज करने से फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट होती है, वो तो मीडियम चेंज करने में भी चेंज नहीं होती, टेम्परेचर चेंज करने पर भी नहीं होती, तो यहां पर क्या पुट करेंगे न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, लैम्डा आ जाएगा नया, तो आपको पूछा गया चेंज इन लैम्डा, पुराना लैम्डा पता ही रहा, नया लैम्डा पता ही रहा, चेंज आ जाएगा। तो कैसे टेम्परेचर डिपेंड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है टेम्परेचर से वेलोसिटी कैसे निकलेगी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? जैसे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गिवन है एसटीपी पे 332, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन हाइड्रोजन एट एसटीपी, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन 116 दैट ऑफ एयर, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, तो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की वैल्यू है हाइड्रोजन की पहले एयर में इतनी है, तो आपको हाइड्रोजन के अंदर डेंसिटी क्या गिवन है 116 दैट ऑफ एयर, यहां से रेशियो आ गई, आंसर आ गया, आपको एयर के अंदर वेलोसिटी पता है 332 है, 332 तो हाइड्रोजन के अंदर भी आ गई।
तो कैसे ये फॉर्मूला यूज किया, समझ में आ रहा है डेंसिटी वाला पॉइंट? क्लियर है यहां तक? डेंसिटी वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? और इसमें रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड हीलियम निकाल लो, दो गैस चेंज कर दिया, गामा चेंज कर दिया एट सेम टेम्परेचर, मॉलिकुलर वेट पता है, तो मैंने करवाया था वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, दोनों गैसेस का एम पता है, दोनों गैसेस का गामा पता है, तो डिवाइड कर लो, एक बार हाइड्रोजन एक बार हीलियम, एक बार गामा हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास हाइड्रोजन का, एक बार मास हीलियम का और गामा हीलियम का, दोनों गामा पता है, दोनों मॉलिकुलर मास भी पता है, सॉल्व करके वेलोसिटी की रेशियो आ गई। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इन क्वेश्चंस को लिखा जा रहा है? ठीक है, मैं सॉल्व प्रॉब्लम दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम करने के लिए सारी शीट की, अब वो ट्राई करना। और लास्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गिवन है, डेंसिटीज की रेशियो गिवन है, एट व्हाट टेम्परेचर, क्या निकालना है? टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड एट नाइट्रोजन एट 14 डिग्री सेल्सियस। तो आपको दोनों स्पीड्स बराबर गिवन है, नाइट्रोजन के लिए टेम्परेचर 14 गिवन है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर आपको निकालना है बस। तो वेलोसिटी इक्वेट कर दिया, नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास और टेम्परेचर नाइट्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास टेम्परेचर टी निकालना है, टी प्लस 273, सॉल्व करके रेशियो ये आ जाएगी, मॉलिकुलर मास ऑक्सीजन नाइट्रोजन का रेशियो गिवन है, डेंसिटी गिवन है पर चाहिए नहीं, ऐसे ही सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। डेंसिटी का कैसे, डेंसिटी का रेशियो क्या गिवन है? 16, और हाँ वो मेरे ख्याल से मास का भी वैसा ही है, ठीक है, वो मॉलिकुलर मास से सॉल्व हो गया। मेथड समझ में आ रहा है सबको? ठीक है।